हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विकास भारद्वाज आप सभी का परीक्षा मैन्या के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो देखिए मैंने आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों जरूरी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यों जरूरी हैं, तो यह भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि भाई आर्टिकल 41, तो क्या कहेंगे? राज्य का यह कर्तव्य है। मैंने कहा आर्टिकल 42, कहेंगे राज्य का यह कर्तव्य है। बार बार क्या कहेंगे? राज्य का यह कर्तव्य है। यानी कि नीति निदेशक तत्व तो राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए जरूरी हैं। प्यारे बच्चों, क्योंकि जिस दिन हमारे नीति निदेशक तत्व संविधान में रखे गए थे, उस दिन ये बात तय की गई थी कि भविष्य में भारत की सरकार के पास यदि पैसा होगा, क्योंकि उस समय सरकार पे पैसा नहीं था, तो बाध्य नहीं कर सकते थे कि भाई गरीबों को खाना खिलाओ, बाध्य नहीं कर सकते थे कि सभी को रोजगार दो, बाध्य नहीं कर सकते थे कि बेरोजगारी को खत्म करो, महिलाओं के लिए संघर्ष करो, विधवाओं के लिए संघर्ष करो, वृद्धों की पेंशन दो। नहीं कर सकता था राज्य, क्योंकि उस समय समर्थ नहीं था। लेकिन उन बुद्धिजीवी प्राणियों ने भविष्य के बारे में सोचा, और भविष्य के बारे में सोचते हुए सोचा कि भविष्य का भारत कैसा होगा। मैंने क्या कहा? यह दर्शन का पार्ट है। भारतीय संविधान में क्या है? दर्शन है। और दर्शन में कौन कौन आते हैं प्यारे बच्चों? प्रस्तावना भारतीय दर्शन का पार्ट, भारतीय संविधान के दर्शन का पार्ट है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के दर्शन का पार्ट है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के दर्शन का पार्ट है। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के दर्शन का पार्ट है। यह फिलोसफी है बच्चों। ये क्या है? फिलोसफी। ये एरिया हमारा फिलोसफी है, ठीक है? इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यह क्या है? भविष्य के भारत की परिकल्पना करता है कि हमारा भविष्य का भारत कैसा होगा। इसकी परिकल्पना की है उन लोगों ने जिन बुद्धिजीवियों ने संविधान को बनाया है, निर्माण किया है। और प्यारे बच्चों, इसमें आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात नीति निर्देशक तत्वों की करेंगे, और बाद में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं आपके साथ लेके आया हूं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या? समान नागरिक संहिता। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, मौलिक अधिकारों के पक्ष में कुछ लोगों के कथन हैं। सॉरी, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कथन, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कुछ बातें कही हैं, ठीक है? वो क्या कही हैं? कुछ आलोचनात्मक कही हैं, कुछ सही कही हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक फेमस व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा योग्य व्यक्ति, जिनका नाम है केटी शाह। सर, आवश्यक क्यों है? आवश्यक ये है, इसलिए है क्योंकि ये संविधान सभा के सदस्य हैं, और जो व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य है, उसके द्वारा कही हुई बात को आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी कीमत पे। तो इन्होंने कहा है कि नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की भांति हैं, जिसका भुगतान बैंक की मर्जी से होगा। यानी कि इस शब्द के इनकी द्वारा कही गई बात का मतलब क्या है? केटी शाह कहते हैं कि नीति निदेशक तत्व ऐसे हैं जिन्हें हम और आप जाकर के कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। राज्य का कर्तव्य है, राज्य चाहेगा तो करेगा, राज्य चाहेगा तो वृद्धा पेंशन बनेगी, राज्य नहीं चाहेगा तो वृद्धा पेंशन नहीं बनेगी, राज्य चाहेगा तो बेरोजगारी को समाप्त करेगा, राज्य चाहेगा तो गरीबी को समाप्त करेगा, राज्य चाहेगा तो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करेगा, राज्य चाहेगा तो विकलांगों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। यानी कि राज्य चाहेगा तो, राज्य चाहेगा तो। प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा? राज्य चाहेगा तो, और वहीं क्या? बैंक चाहेगा तो। बैंक चाहेगा तो चेक का भुगतान होगा,
सीधी बात क्या कही कि राज्य चाहेगा तो भाई उसकी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी व्यवस्था या वो चालू होंगे, लागू होंगे, उनके अनुसार योजनाएं लागू होंगी और वह योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाएंगी। लेकिन राज्य नहीं चाहेगा, सरकार नहीं चाहेगी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे आपने अभी देखा है मोदी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं प्यारे बच्चों, जैसे वृद्धा पेंशन योजना, ठीक है, और विकलांगों के लिए विशेष सहयोग, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, ये सब क्या हैं? जितनी भी योजनाएं चलती हैं प्यारे बच्चों, मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा में क्या रहता है, जिसे नरेगा आप लोग बोलते हो गांव देहात में, मनरेगा में क्या होता है, मनरेगा में प्यारे बच्चों महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन दिया जाएगा, समझ रहे हो, जो कि मैंने 39 आर्टिकल 39 के क्लोज में मैंने आपको समझाया था, आर्टिकल 39 में समझाया था कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो सभी को समान वेतन दिया जाएगा। तो यह मनरेगा योजना है किसकी, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, और इसके थ्रू लोगों को काम दिया जाता है, लोगों को क्या दिया जाता है, काम दिया जाता है प्यारे बच्चों। तो उसमें क्या है, सभी को समान रूप से देखा जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगले व्यक्ति हैं नसीरुद्दीन, श्री नसीरुद्दीन, अच्छा सर श्री नसीरुद्दीन जी ने क्या कहा है, श्री नसीरुद्दीन जी ने कहा है नव वर्ष की शुभकामनाएं, नीति निदेशक तत्व नव वर्ष की शुभकामनाओं के समान है, मैंने क्या बोला, नीति निदेशक तत्व नववर्ष की शुभकामनाओं के बराबर हैं। कैसे, नववर्ष आता है आप लोग क्या कहते हो, हैप्पी न्यू ईयर, है ना, सारे में खुशियां मारते फिरते हो, लेकिन क्या किसी का भविष्य बना दोगे शुभकामना देने से, नहीं। हम आशीर्वाद दे सकते हैं कि नववर्ष आपको मुबारक हो, भगवान करे आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, लेकिन प्यारे बच्चों क्या जरूरी है कि 100% लोग ऊंचाइयों तक चले जाएं? तो वही नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वे लोगों के कल्याण के लिए काम करे। नीति निर्देशक तत्व राज्य के कल्याण के लिए आवश्यक है, ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों जरूरी नहीं है कि सरकार राज्य का कल्याण करे या राज्य के कल्याण के लिए सारे नीति निर्देशक तत्वों को जारी करे। जितना पैसा गवर्नमेंट के पास है वो इतना रखेगी या उतनी योजनाएं लागू करेगी और उतनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी, और सरकार किसानों तक, मजदूरों तक, दुर्बल वर्गों तक उसका प्रचार प्रचार और पहुंचाने की कोशिश करेगी। प्यारे बच्चों मेरी बात यह समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि नववर्ष की शुभकामनाएं केवल इसलिए दी जाती हैं कि भाई तुम खुश रहो, आशीर्वाद दिया जाता है, ठीक है, उस आशीर्वाद को कितने लोगों को फलीभूत है वो तो उसी कंडीशन में पता चलता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है जेनिक्स, ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है भाई, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, इन्होंने भारतीय संविधान में के दर्शन भाग में बहुत अच्छी अच्छी बातों का समझाया है, और इन्होंने कहा है कि जो नीति निदेशक तत्व है वो पवित्र इच्छाओं के बराबर है। अरे ये क्या हो रहा है सर, इन्होंने कहा कि नीति निदेशक तत्व, ध्यान से समझना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आओ समझते हैं दोबारा, इस पेन से लिखते हैं बढ़िया वाले से, नीति निदेशक तत्व पवित्र इच्छाओं जैसे हैं, क्या पवित्र इच्छाओं जैसे हैं। अब आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि भाई पवित्र इच्छाएं, इसका मतलब यह है कि हम भगवान से उम्मीद करते हैं,
कि हमें जॉब लगे, हम भगवान की पूजा करते हैं अच्छे मन से कि भाई हमें हमारी जॉब लगनी चाहिए, लेकिन आवश्यक नहीं है। आपको आपके कर्मों के हिसाब से भगवान क्या है पनिशमेंट देते हैं या आपको वरदान देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, पवित्र इच्छाओं के बराबर है। वही सरकार का है कि सरकार चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों को तत्वों के अनुसार योजना लाए, यदि सरकार के पास पैसा नहीं है तो नहीं लाएगी। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसी व्यक्ति ने जेनेक्स ने एक और बात कही है जो बहुत ही सार्वगर्भिक तरीके से समझाई गई है, क्योंकि देखिए फेबियन वाद या समाजवाद, इन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों में अधिकांश रूप से समाजवाद की धारणा देखने को मिलती है, या एक शब्द है फेबियनवाद। फेबियनवाद 1884 में ब्रिटेन में एक सोसाइटी बनाई गई जिसे कहा गया फेबियन सोसाइटी, और वहां से ही शब्द निकला फेबियनवाद। इस बात को याद रखना। फेबियनवाद, उन्होंने कहा कि फेबियनवाद या समाजवाद, और समाजवाद ऐसे समझना, और समाजवाद का स्वरूप देखने को मिलता है। यह फेबियन क्या है, देखिए 1884 में बच्चों ब्रिटेन में एक सोसाइटी बनाई गई जिसे कहा गया फेबियन सोसाइटी। क्या कहा गया, फेबियन सोसाइटी। चलिए उसके अनुसार यह शब्द निकला है। आइएगा ध्यान से समझते हैं आगे कुछ बातों को, इतना डीप जाना आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन आप अच्छे से समझिएगा बस। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने कहा है कि नीति निदेशक तत्व देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी हैं, के लिए जरूरी है। यानी कि यह कहा गया है, कल मैंने आपको बताया था इनके बारे में और मैंने बताया था इनकी विशेषताओं के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट व्यक्ति हैं के एम पाणिकर ने इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदलते हुए कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक विकास में समाजवाद लाने के लिए आवश्यक है। इन्होंने कहा आर्थिक विकास में समाजवाद लाने के लिए आवश्यक है। क्या कह रहे हैं, के एम पाणिकर कह रहे हैं कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह नीति निर्देशक तत्व आर्थिक विकास में समाजवाद की धारणा को लाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, अत्यंत जरूरी हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, जो लोग मैंने आपको बताए हैं, देखो मैं एक बार समझा देता हूं। देखो केटी शाह, ये भी बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट आपको दे रखी होगी और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने लिखा है। क्यों, क्योंकि चाहे केटी शाह हो, चाहे नसरुद्दीन हो, चाहे जेनेक्स हो, देखिए जेनेक्स नहीं है और जेनेक्स के बाद ये जो लोग हैं, चाहे केटी शाह हैं, चाहे नसरुद्दीन हैं, और चाहे बी आर अंबेडकर हैं, चाहे के एम पाणिकर हैं, ये व्यक्ति भारतीय संविधान सभा के सदस्य हैं, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाना अति आवश्यक है। बोलिए समझ में आई बात, क्लियर एकदम।
प्यारे बच्चों यही आवश्यक था। नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अगला पॉइंट समझिएगा, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनाएं। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनाएं। अच्छा सर, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनाएं क्या कहती हैं? पहला नंबर पॉइंट देखिए, नंबर एक, नीति निर्देशक तत्वों की यदि हम आलोचना करें, मैं लिखवाऊंगा नहीं इस पॉइंट को, क्योंकि यह आपके लिए इतना बेहद, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पर मैं बता देता हूं कि कुछ लोगों ने आलोचना कही है, आलोचना की है, और उन्होंने यह कहा है कि नीति निर्देशक तत्व भारत में केवल एक दिखावे के लिए आवश्यक है। ठीक है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। अगर मैं पक्ष में बात करूं तो मोदी सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि नीति निर्देशक तत्वों से ही निकली हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यदि मैं पॉइंट नंबर दो, नीति निर्देशक तत्वों में सांप्रदायिक भावना देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक बात लिखी थी गौ एवं, ध्यान से समझना, दुधारू पशुओं का वध पर प्रतिबंध। राज्य का कर्तव्य है कि गौ एवं दुधारू, ये गौ क्यों निकाला बाहर? तो इससे लोगों ने देखा कि यहां पे सांप्रदायिकता की भावना है। नीति निर्देशक तत्वों में सांप्रदायिकता की भावना है, क्योंकि गाय को अलग निकाल दिया कि गाय का वध, अगर इन्होंने कहा दुधारू पशु तो दुधारू में क्या है, बकरी भी दूध देती है, क्यों जी, बकरी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, ठीक है, गाय भी दूध देती है। तो देखिएगा, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो दूध देते हैं, जिनका दूध हम लोग पीते हैं, लेकिन भाई गाय को अलग निकाला। जब गाय को अलग निकाला तो कुछ आलोचकों के मन में यह बात पैदा हुई, यह धारणा उत्पन्न हुई कि नीति निर्देशक तत्व केवल और केवल, या फिर एक निश्चित रूप से सांप्रदायिकता की भावना पर आधारित हैं। बोलिए, बात समझ में आई मुझे लग रहा है? आइए हम समझते हैं इसकी कुछ क्या थी, आलोचना थी प्यारे बच्चों। अब आलोचना के बारे में हम लोग इनके कुछ पक्ष में बात कर लेते हैं, या महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। इनके कुछ महत्व हैं जिन्हें कि मैं आपको बता चुका हूं। पहला नंबर तो ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, ठीक है, ये इनका एक महत्व है, इनकी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि नीति निर्देशक तत्व भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसमें किसी व्यक्ति ने किसी के दूसरे के विपक्ष में कोई बात नहीं कही गई है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, किसी का विरोध नहीं किया गया है। तो उस बात पे हम लोग, जहां विरोध था वहां मैंने आपको समझाया कि किसने किसका विरोध किया, जैसे कि आरक्षण के पक्ष में मैंने आपको बताया कि कौन व्यक्ति क्या कहता है, उसके विरोध में कौन कहता है। तो नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक शब्द डिस्कशन करते हैं, और वो चीज मैं बता ही चुका हूं कि नीति निर्देशक तत्व आपके आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अति आवश्यक है। बोलिए, समझ में आ गई बात, क्लियर है एकदम? चलिए एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समान नागरिक संहिता। क्या है सर यह समान नागरिक संहिता? ओहो, गलत मिट गया, ज्यादा मिट गया। संहिता क्या है यह समान नागरिक संहिता? सबसे पहली बात, अनुच्छेद 44 के अनुसार, मैंने आपको कल समझाया था, अनुच्छेद 44 के अनुसार
के अनुसार। राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य का यह कर्तव्य है, कर्तव्य है कि वह नागरिकों के बीच बीच समान नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता लागू करें, परंतु आजादी के 7 दशकों के बाद भी सातवें दशक तक भी हम यह कार्य नहीं कर सके, हम यह कार्य नहीं कर सके। प्यारे बच्चों, समान नागरिकता जरूरी है, आवश्यक है, राज्य को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। इस बात को हम लोग अपने पक्ष दूसरे के पक्ष को सुनते हुए, देखो आलोचकों की बात सुनते हुए और पक्षधरों की बात सुनते हुए, दोनों की बात सुनते हुए हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे और वहां पे हम लोग ये समझेंगे कि वास्तव में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे कारण क्या हैं और किस तरीके से लागू होनी चाहिए, इस बात पे हम विशेष बल देंगे। प्यारे बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने क्या कहा कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, देखिए कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे थे जो कि संविधान बनाते समय ही ये बात कह के चले गए कि भाई आप लोग भारत में समान नागरिक संहिता स्थापित करना, लेकिन सरकार वोट बैंक के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म को आधार बनाकर यह नहीं चाहते हैं कि समान नागरिकता नागरिक संहिता लागू हो। प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से आज की डेट में वोट मांगने का प्रावधान है भारत देश में। बाकी आप समझदार हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो प्यारे बच्चों, हम केवल पॉलिटी की बात करेंगे और राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। तो इस राज्य व्यवस्था में जो बात आपको मुझे अच्छी लगेगी वो मैं आपको बताऊंगा, और जो अच्छी नहीं लगेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका मत है, आप उस पर किस तरीके से निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, जो लोग कदम उठाते हैं उनका भारत के संविधान की पुस्तक में नाम लिखा जाता है। क्या इंदिरा साहनी महिला नहीं है? तो बच्चों, हमें सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के उसके काबिल बनना पड़ेगा कि सरकार जो निर्णय ले रही है वो सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है। इस बात को समझने के लिए भारतीय संविधान आपके साथ खड़ा है। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्यारे बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मैं ये कहूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट है, इसे समझाना अपने आप में बहुत बड़ा टिपिकल पार्ट है, लेकिन आप समझिए बहुत ही प्यार से इसे समझाने की कोशिश करेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, आप इधर देखिएगा। चलिए, मैंने क्या समझाया, पहले मेरी बात सुनिएगा कि समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अनुसार, देखिए उस समय के बुद्धिजीवी लोगों को देखिए कि वो उसी समय कह के चले गए जब संविधान बनाया उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में कि भाई आर्टिकल 24 में हम लिख के जा रहे हैं कि भविष्य में आपको समान नागरिक संहिता लानी है, परंतु आजादी के 7वें दशक तक भी हम यह शुभ कार्य नहीं कर पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि समान नागरिक संहिता एक प्रकार से आचरण की एक नींव है, ध्यान से समझिएगा, यह क्या है, आचरण की एक नींव है। ठीक है, आचरण की एक नींव है, वो किस तरीके से, देखिए दो प्रकार की नागरिक संहिता होती है, एक आपराधिक
आपराधिक संहिता, मैं समझाऊंगा आपको, आप अच्छे से समझिएगा, आपराधिक संहिता, और दूसरी प्यारे बच्चों व्हाइट लिख देता हूं, दूसरी प्यारे बच्चों नागरिक संहिता। इस बात पर थोड़ा गौर देना, यह है अपराधों और उनके अनुसार दिए जाने वाले, एक मिनट, दिए जाने वाले दंड पर आधारित है। किस पर? दंड पर आधारित है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये किस बेस पे काम करेगी? ये काम करेगी आईपीसी पे, आईपीसी पे, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता पर काम करेगी। भारतीय दंड संहिता क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता यह कहती है कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो भिखारी हो, उससे मतलब नहीं है, कमजोर हो, दुर्बल हो, या फिर कितना भी बड़ा पहलवान हो, दंड के तरीके से सभी को न्यायालय समान रूप से देखेगा। क्या कहती है? आपराधिक संहिता, आपराधिक संहिता इस बात को बताती है। और नागरिक संहिता किस बात को बताती है प्यारे बच्चों? पेन का चेंज कर, कलर चेंज कर लेते हैं। आपराधिक संहिता क्या कहती है? आपराधिक संहिता धर्म पर आधारित है। किस पर? धर्म पर आधारित है। एक मिनट, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा। किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है, जिसके आधार पर आप लोगों से वोट की उम्मीद की जाती है। ठीक है, वो है नागरिक संहिता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो धर्म पर आधारित है, इसमें गैर आपराधिक मामलों को रखा जाता है। इसमें क्या है? गैर आपराधिक मामलों को रखा जाता है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों? गैर आपराधिक मामलों को रखा जाता है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। मान के चलो किसी का विवाह हुआ, हाँ जी समझिएगा, विवाह, तो अरे यार दोबारा गलत किया, मिट मिट नोट, हाँ विवाह, और सही लिखा है प्यारे बच्चों। चलो ध्यान से, विवाह, विवाह कोई आपराधिक मामला नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी से भी शादी करे। अभी देखो कल ना मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा बेहद इंपॉर्टेंट, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मैरिज और इसके बारे में एक नया अपडेट दिया है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, कल के लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसी वजह से मैं आज इसको लेके आया हूं। तो बच्चों विवाह मतलब, विवाह क्या है? कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकता है, इसमें कोई भी अपराध नहीं होगा, इसमें कोई भी अपराध नहीं होगा, गैर आपराधिक मामला है। लेकिन धर्म पर आधारित है ना, कि भाई हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो समाज यह कहता है कि वो हिंदू धर्म से शादी, हिंदू धर्म की लड़की से शादी करेगा, और हमारे कोई मुस्लिम भाई हैं तो वो ये चाहते हैं कि हमारे जो लड़की है वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करे, तो ये आवश्यक हैं चीजें। सिख समुदाय की लड़की है तो वो सिखों में शादी करे। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? ये एक धार्मिक मामला है। वही मैंने बताया कि नागरिक संहिता क्या है, धर्म पर आधारित है। अब मान के चलिए तलाक है, तलाक। अब अगर हम बात करें, एक देखो मैं तुम्हें एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूं, ठीक है, देखो अंग्रेजी में डिवोर्स शब्द दिया है, उर्दू में तलाक शब्द दिया है, और हिंदी में, हिंदी में तो सर इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है? इस बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, हिंदू समुदाय में शादी को एक अटूट बंधन माना जाता है। ठीक है, शादी को एक अटूट बंधन माना जाता है, और यह कहा जाता है कि शादी एक बार हो गई तो फिर हो गई, फिर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। वहां पर डिवोर्स जैसा शब्द ही नहीं है हिंदू समुदाय में, हिंदी भाषा में। ठीक है, तो यहां तलाक जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि आज के जो वकील साहब हैं या फिर
और भी लोग हैं वो किसी भी कारणवश, और हम लोग तलाक ले भी लेते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन हिंदी समुदाय में इस शब्द का उल्लेख नहीं है हिंदी डिक्शनरी में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तलाक शब्द उर्दू का है, डाइवोर्स शब्द इंग्लिश का है, क्योंकि मैंने एक ही बात बताई, हिंदू समुदाय में शादी को एक बंधन मान लिया गया है कि आप एक बंधन में बन चुके हो, इसके बाद आपको इधर उधर भटकने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया सभी लोग ध्यान से सुने इस बात को। तीसरी बात है प्यारे बच्चों इसमें क्या, उत्तराधिकार की लड़ाई। क्या? उत्तराधिकार। देखो एक एक बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। उत्तराधिकार, देखो पापा की जायदाद है उस पर हमारा अधिकार है तो ये उत्तराधिकार है, लेकिन बेटी का क्या अधिकार है, बेटे का क्या अधिकार है, उनकी पत्नी का क्या अधिकार है, यानी हमारी मां का क्या अधिकार है, इस बात पे हम लोग जो डिस्कशन करेंगे छोटा नहीं हो सकता सर, यह हो गया मिस्टेक। एक सेकंड सुनिएगा, एक सेकंड बच्चों। हाँ, उत्तराधिकार की लड़ाई। अब उत्तराधिकार में क्या है, ओहो हमने चेंज नहीं, सुनो उत्तराधिकार में क्या है प्यारे बच्चों, उत्तराधिकार में कोई बेटा है, किसी व्यक्ति का कोई बेटा है या कोई बेटी है, ठीक है, या उसकी पत्नी है, तो भाई उसकी संपत्ति पे इन तीनों लोगों का अधिकार है, शेर सी बात है। लेकिन प्यारे बच्चों पत्नी को क्या हिस्सा मिलेगा, बेटी को क्या हिस्सा मिलेगा और बेटे को क्या हिस्सा मिलेगा, इस बात के लिए कोर्ट थोड़े ना हिसाब किताब करेगा कि भाई तुम्हें 3% मिलेगा। अगर तुम केस लेके जाओगे तो तुम्हारा निर्णय कर देंगे, भाई तीनों में बराबर बराबर बांट लो। अब कोर्ट ये तो नहीं कह सकता है कि भाई बेटे को 50% दे दो और बेटी को 30% दे दो और पत्नी को 20% दे दो, भाई ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के निर्णय में आप तीनों लोग समान हो और जब तीनों लोग समान हैं तो वो समान तरीके से आपको न्याय देंगे। बोलो समझ में आई बात, इसको मैं लिख देता हूं दोबारा से, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आई कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, एक सेकेंड, सीआरपीसी है, ठीक है। तो ये चीजें इसके अनुसार आती हैं। अब अगर हम लोग डिस्कशन करें तो देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं कि सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। अगर हम लोग अपनी बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ लोगों का पक्ष है कि समान नागरिक संहिता, मैंने आपको बता दी पूरी कि क्या है, किस तरीके से डिवाइडेड है। अगर बच्चों कुछ लोग ये चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और कुछ लोग ये चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू नहीं होनी चाहिए, एक सेकंड मुन्ना, कुछ लोग ये चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू नहीं होनी चाहिए, आखिर क्या कारण है, क्या मेन रीजन है उस बात के समझते हैं। तो देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, समान नागरिक संहिता संहिता लागू होने के पहले विपक्ष की बात करेंगे ना, ठीक है, समझना ध्यान से, होने के विपक्ष। देखिए कुछ आलोचक हैं जो ये कहना चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उनका मत, पहला मतलब तो ये है कि लागू होने के कारण धार्मिक और धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति का अधिकार, यानी मैं दूसरा पेन यूज करूंगा यहां से, ये वाला, चलो पहला नंबर दिख रहा है पेन, ठीक है। आलोचकों के अनुसार, अपना मत लिख देना, आलोचकों के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू होने से होने से
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक संस्कृति का अधिकार संस्कृति का अधिकार अधिकार का उल्लंघन होगा यानी कि प्यारे बच्चों इनके अनुसार आलोचकों के अनुसार यह बात कही जाती है कि यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 इनका उल्लंघन होगा क्योंकि आर्टिकल 25 क्या कहता है, सभी लोगों को अपना धर्म मानने, उसका आचरण करने और उनके अनुसार चलने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और वहीं 26 में क्या कहता है कि अपने धर्म के अनुसार धार्मिक संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है। और वहीं 29 में क्या कहता है, 29 में कहता है कि संस्कृति का अधिकार है, अपनी संस्कृति को, भाषा को, लिपि को संरक्षित रखने, बोलने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो प्यारे बच्चों इनका क्या कहते हैं, उल्लंघन होता है। आलोचक कहते हैं, हम नहीं कहते, अपना मत कह देना, ठीक है। हाँ, कौन कहते हैं, आलोचक कहते हैं। आलोचक क्या कहते हैं कि यदि समान नागरिक संहिता भारत में लागू होती है तो उसके लागू होने से आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 प्रभावित होंगे। ये बात समझ में आई? छोटा बड़ा नहीं करना, अरे छोटा करना, हाँ छोटा, उधर जाओ, उधर भेजो इसको, बहुत बढ़िया, अब रुको। हाँ चलो ठीक है, ये आपका दिखता रहेगा, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँगा आपको, तो आप स्क्रीनशॉट लेना इसका, ठीक है। और बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए और देखो मैं बहुत अच्छा सा आपको समझाऊँगा, आप बस इसको समझिएगा ध्यान से। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और रुको रुको, क्या कर दिया अपने, रुको, आपने मिस्टेक कर दी, हाँ ठीक है। और एक मिनट, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा ना, पढ़ेंगे बस बस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हैं इसको आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया साइड में, ठीक है, आप अच्छे से इसको लिख लेंगे। इसमें दूसरी आलोचना हम लोग इधर साइड में लिखते हैं, दूसरी आलोचना क्या है, दूसरी आलोचना यह बताई गई है कि जो भारतीय संविधान या सॉरी मैं मिस्टेक बोला भारत देश है वह धर्म संस्कृति पर आधारित है, वो धर्म विशेष पर आधारित है, ठीक है। वो किस पर आधारित है, धर्म विशेष पर आधारित है। भारत में नागरिक संहिता प्रारंभ से ही धर्म पर आधारित रही है, यदि इसे लागू कर दिया जाए, ध्यान से समझना, तो विभिन्न समुदायों में समुदायों के बीच विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा। अभी मैं इसका तर्क भी दूंगा आपको, अब बस समझिएगा थोड़ा ध्यान से। प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं
कि आलोचकों ने यह कहा है कि नागरिक संहिता प्रारंभ से ही, मतलब प्राचीन काल से ही धर्म पर आधारित रही है, और यदि इसे समान रूप से लागू कर दिया जाता है तो फिर लोगों के बीच में विद्रोह उत्पन्न हो सकता है। पॉइंट नंबर तीन क्या कह रहा है भाई? पॉइंट नंबर तीन क्या कह रहा है कि वोट बैंक के लिए घातक है। यह बात इंपॉर्टेंट है, वोट बैंक के लिए घातक है। अच्छा सुनो, आप सभी विद्यार्थी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आप सभी विद्यार्थी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, और वह यह नहीं कहेंगे कि नागरिक संहिता वोट बैंक के लिए घातक है, हम कह रहे हैं नहीं, हम कहेंगे आलोचकों ने कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट बैंक को नहीं बनाया जा सकता है। समझ आया प्यारे बच्चों? ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। आइएगा अगला पॉइंट डिस्कशन करते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब समझिएगा। अगला समान नागरिक संहिता के पक्ष में समान नागरिक संहिता क्यों लागू होनी चाहिए? होनी चाहिए या पक्ष में समान नागरिक संहिता के पक्ष में लोगों के क्या मत रहे हैं, इस बात पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट, इसमें लोगों का मानना है कि समान नागरिक संहिता के विषय, लोगों का मानना है कि समान नागरिक संहिता के विषय समान नागरिक संहिता के विषय, मतलब जो समान नागरिक संहिता के विषय हैं बच्चों, वो विवाह पर, तलाक पर, और क्या कहें, उत्तराधिकार, विवाह पर, तलाक पर, उत्तराधिकार आदि को धार्मिक आचरण नहीं माना जा सकता है। अतः समान नागरिक संहिता के विषय, क्या बोला मैंने, पहला विवाह, दूसरा बोला तलाक, तीसरा बोला उत्तराधिकार, आदि को धार्मिक आधार, धार्मिक आधार नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अतः समान नागरिक संहिता लागू होनी अति आवश्यक, सॉरी, लागू होनी चाहिए। मैंने अपने शब्दों को थोड़ा ब्रेक कर दिया है। समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। अगला कह रहे हैं समान नागरिक संहिता का अभाव स्त्रियों की स्वाधीनता। अगला कह रहे हैं समान नागरिक संहिता का अभाव स्त्रियों की स्वाधीनता और लैंगिक न्याय के खिलाफ है। और क्या बोला? लैंगिक न्याय के खिलाफ है, यानी कि जो
समान नागरिक संहिता का अभाव है वो स्त्रियों की स्वाधीनता और लैंगिक न्याय दोनों के खिलाफ है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको समझाया और मैं एक और पेज लेकर के इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में कुछ थोड़ा सा और दो तीन पॉइंट हैं उन्हें समझाता हूँ। अगला पॉइंट लिखेंगे 3, समान नागरिक संहिता का अभाव, समान नागरिक संहिता का अभाव समान नागरिक संहिता का अभाव समानता के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? समानता के खिलाफ है। एक चीज और, 4 नंबर, समान नागरिक संहिता ना होने से रूढ़िवादिता ना होने से रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। उम्मीद करेंगे आपकी समझ में आई होगी बात। अगला बच्चों, इसमें एक और पॉइंट रह गया है, बस उस बात पे और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि देखिए, आपने पक्ष को पढ़ा और विपक्ष को पढ़ा, आओ अब हम दोनों बातों को पढ़ते हैं दोबारा से, ठीक है? कहां गई है? ये रहा छोटा सा, ठीक है? इन बातों को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है भाई? देखो एक बार रिवीजन मारते हैं पहले, फिर अपना मत निकालेंगे, अपना कंक्लूजन निकालेंगे, आवश्यक है। देखिए, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने नागरिकों के बीच समान नागरिक संहिता लागू करे, परंतु आजादी के 7वें दशक तक भी हम यह लागू नहीं कर पाए। समान नागरिक संहिता आचरण की एक नींव है। आचरण की नींव 2 तरीके से हो सकती है, एक आपराधिक संहिता और एक नागरिक संहिता। इसमें प्यारे बच्चों, अपराधों को अपराधों और उनके अनुसार दिए जाने वाले दंडों के आधार पर IPC और CRPC। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, समान नागरिक संहिता धर्म पर आधारित है, लेकिन इसमें और गैर आपराधिक मामले हैं जिसमें विवाद है, विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, लेकिन इसी बात को हम कहेंगे कि इन्हें धार्मिक मामले नहीं माना जा सकता है, जिसके जैसे कि हम लागू होने की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता लागू होने का विपक्ष क्या है? तो इनका विपक्ष ये है कि आलोचकों के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू होने से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संस्कृति का अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। आप लोगों को उंगलियों पर याद होनी चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो? इतना ध्यान इनका पढ़िएगा भाई, अच्छे से मेहनत करिएगा, तभी तो सिलेक्शन होगा। भारत में नागरिक संहिता का प्रारंभ से ही धर्म के आधार पर तथा इसे लागू कर दिया जाए और विभिन्न समुदायों के बीच इसमें विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा। यानी यह कहना चाहते हैं कि धार्मिक जो भारत में नागरिक संहिता है वह प्रारंभ से ही धर्म पर आधारित रही है, और यदि इसे लागू कर दिया जाए तो विभिन्न समुदायों के बीच उनके धर्मों के अनुसार विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा। समान नागरिक संहिता के क्यों लागू होनी चाहिए, मैंने बोला क्यों लागू होनी चाहिए और इसके पक्ष में क्या प्रावधान है। तो इसके पक्ष में पहला है, समान नागरिक संहिता के विषय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि को धार्मिक मामला नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसको धार्मिक मामला नहीं माना जाएगा, अतः समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा है, समान नागरिक संहिता का मतलब इसका जो समान नागरिक संहिता का जो अभाव है वह स्त्रियों की स्वाधीनता और लैंगिक न्याय के खिलाफ है, यानी कि महिलाओं के प्रति होने वाले न्याय और अन्याय के खिलाफ है। ये बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू। इसमें दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या समझा, दूसरा पॉइंट हमने समझा कि समान नागरिक संहिता का अभाव समानता के खिलाफ है,
यानी कि सभी लोगों को समान नहीं माना जा रहा है। यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा, सभी समुदायों को समान माना जाएगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, समान नागरिक संहिता लागू न होने से रूढ़िवादिता को जन्म मिलता है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। यह बात समझ में आई? अब समझिएगा, अपने पक्ष, ऐसे लिखना, हमारा मत क्या है। अब हम अपना मत प्रस्तुत करते हैं, सोच विचार के बाद, पढ़ने के बाद हम लोग अपना मत प्रस्तुत करते हैं और हमारा मत क्या कह रहा है उस बात को सुनिएगा। हमारा मत सबसे पहले यह कह रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, परंतु उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए, उसके लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए। पहला नंबर, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों में जागरूकता पैदा करे और जागरूकता अभियान चलाए। ऐसा नहीं कि आज ही समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए, नहीं, समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए सरकार को। हम अपना मत कैसे कहेंगे कि समान नागरिक संहिता सरकार को लागू करनी चाहिए, परंतु उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण काम कार्य करने चाहिए। पहला क्या काम होगा कि लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करें, लोगों को जागरूक बनाएं, उनके लिए जागरूक अभियान चलाएं। उसके बाद में सभी धर्मों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा उठा करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नागरिक संहिता को क्रमिक रूप से लागू करना चाहिए, 30% 40% इस तरीके से लागू करना चाहिए। हमारा मत ये। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, क्रमिक रूप से लागू करने के दो मेन कारण हैं, क्रमिक रूप से लागू करने के दो मेन कारण हैं कि क्रमिक रूप से यदि नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो वहां पर किसी भी समुदाय को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी वजह से कुछ पार्ट भी अन्य लोगों का ले लेना आवश्यक है। और वोट बैंक को आदर्श नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आज तो वोट ही पार्टी, पार्टी में वोट ही धर्म के नाम पर पड़ते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेना चाहता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी समझ में आया होगा। इस क्लास को बढ़िया से पढ़िएगा, जो लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाई मोस्टली लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, आप अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या आवश्यक है आज के एग्जाम को लेकर के। मैंने आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। आने वाले टाइम में नागरिक संहिता से भी क्वेश्चन आना है और जो मौलिक अधिकारों के कुछ वाक्य मैंने लिखवाए हैं उनसे भी क्वेश्चन आने वाला है, तो जरूर से उसे देखें। और मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेता हूँ। धन्यवाद क्लास।